कमर रायबरेलवी साहब फरमाते हैं कि हमको शीशे के बनाने हैं अभी घर कितने, हमको शीशे के बनाने हैं अभी घर कितने, जाने अहबाब के हाथों में है पत्थर कितने, हमको शीशे के बनाने हैं अभी घर कितने, जाने अहबाब के हाथों में हैं पत्थर कितने। मैं तो शायर हूं, मेरी बात कहां मानोगे, तुमने झुठला दिए दुनिया में पैगंबर कितने। ये एक एक शायर का जज्बा है। शायर मुख्तलिफ कैफियात से गुजरता है अपनी ज़िंदगी में एक आम इंसान की तरह, बस उसके दिल पर उसका असर ज़्यादा होता है और उसके पास एक आला होता है, एक लफ्ज़ होते हैं और उनमें वो बरत लेता है। कमर साहब किसी ऐसे ही जज्बे से सरशार होकर के उन्होंने ये कहा। लेकिन उन्हीं के साथ के एक और शायर वाकिफ़ रायबरेलवी, उन्होंने एक दूसरे जज्बे के साथ, और जिसे मैं इसका जवाब तसव्वुर करता हूँ, और इन तमाम अपनी शायर बिरादरी की तरफ से और उन सियासी रहनुमा जैसे हमारे आली जनाब अनूप संडा साहब, डॉक्टर संदीप साहब जैसी जो हमारी बेदाग शख्सियात हैं जिनसे हमें उम्मीदें हैं, जब उन सब की तरफ से मैं वो दो मिसरे पढ़ता हूँ, कमर साहब के वो मिसरे जहन में रखिए और अब वाकिफ़ रायबरेलवी के ये दो मिसरे सुनिए। वाकिफ़ साहब कहते हैं, मैं तो बुलबुल हूँ मेरा काम है गाते रहना, मैं तो बुलबुल हूँ मेरा काम है गाते रहना, भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाते रहना। मैं चाहता हूं कि रायबरेली के ये दो मैंने मुख्तलिफ टेस्ट आपको दिखाए, उसी रायबरेली का एक बेटा, एक बहुत खुशफिक्र शायर, मेरा बहुत प्यारा भाई अर्श रायबरेली भी हमारे बीच में मौजूद है। पहले बैरूनी शायर के तौर पर मैं बहुत ही मोहब्बत के साथ, बहुत एतमाद के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि माइक पर तशरीफ लाएं और आप पुरजोर इस्तकबाल करें। मैं आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आज़ू अशरफ सुल्तानपुरी को कि बहुत बेहतरीन मुशायरा उन्होंने सजाया है, बहुत मेहनत की है यकीनन। और एक बेहतरीन शायर तो हैं ही, आज उन्होंने साबित किया कि एक बेहतरीन कन्वीनर भी है। यकीनन यकीनन यकीनन। और उनके साथ एक बार इस बात पे ताली बज जानी चाहिए, आपकी जहनी सुकून के लिए ये महफिल आरास्ता की गई है, तो जिन्होंने की है उनकी शान में अगर हम, और उनके साथ उनकी एक टीम भी रही है जिसमें सैफी अशरफी साहब हैं, जुनेद अशरफी साहब हैं, अली फहमी साहब हैं। ये वाकई ये सब लोग और आप सब लोग भी मुबारक के लायक हैं। मैं आप सबको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ जी, और एक मतला और एक शेर आप तक पहुँचाता हूँ। कोशिश करिए कि यहीं से मुशायरा बन जाए क्योंकि अभी बहुत से शायरों को सुनना है। जी इरशाद। मुस्कुराता हुआ यादों का कंवल देते हैं, मुस्कुराता हुआ यादों का कंवल देते हैं, मुस्कुराता हुआ यादों का कंवल देते हैं। तेरे होठों को रंगीन गजल देते हैं। अच्छा है, अच्छा है, वाह। मुस्कुराता हुआ यादों का कंवल देते हैं। जो अब शेर पढ़ना है जिसके लिए मैंने मतलब पढ़ा है, यकीन जानिए आप सब लोग आखिरी शख्स तक इससे जुड़ जाइए। मुस्कुराता हुआ यादों का कंवल देते हैं, तेरे होठों को ये रंगीन गजल देते हैं, तेरी बेलों से करीम, तेरी बेलों से करीमान मोहब्बत के वजह मेरी मुमताज तुझे ताज महल देते हैं। अरे भाई अच्छा है, अच्छा है, तुझे ताज महल देते हैं। बहुत खूब, क्या कहने, क्या कहने। जुनैद अशरफ साहब ने अर्श साहब की गुलपोशी फरमाई जी। अर्श साहब, जिंदगी में कभी जब खुशियों के पल आते हैं, जिंदगी में मतलब समाप्त करिए और जुड़ जाइए यहीं से।
जिंदगी में कभी जब खुशियों के पल आते हैं, आस्तीनों से कई सांप निकल आते हैं। आहा, अच्छा है। जिंदगी में अच्छा कभी जब खुशियों अच्छा के पल आते हैं, आस्तीनों से कई सांप निकल आते हैं। और तेरी आवाज पे जुड़ जाइएगा यहां से, कि आस्तीनों से कई सांप निकल आते हैं, तेरी आवाज पे हम जा तो नहीं सकते मगर, तेरी आवाज पे हम जा तो नहीं सकते मगर, इतना कह सकते हैं धीरे से कि चल आते हैं। आहा, 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 तेरी आवाज पे हम जा तो नहीं सकते मगर, इतना कह सकते हैं धीरे से कि चल आते हैं। और शेर देखिएगा कि जुल्फ को खोले हुए सामने मत आया कर, जुल्फ को खोले हुए सामने मत आया, जुल्फ को खोले हुए सामने मत आया कर, मैं भी इंसान हूं अरमान मचल आते हैं। अच्छा है भाई। जुल्फ को खोले हुए सामने मत आया कर, मैं भी इंसान हूं अरमान मचल आते हैं। और ये शेर देखिएगा शायद भाई की, मैं भी इंसान हूं अरमान मचल आते हैं, कौन मदऊ करे हम मरसिया खानों को यहाँ। कौन मदऊ करे हम मरसिया खानों को यहाँ, अब तो स्टेज पे बस रूए गजल आते हैं। अच्छा है, अच्छा। कौन मदऊ करे हम मरसिया खानों को यहाँ। बस आज के मुशायरे में ये बात गलत साबित हो रही है, क्या कहने वाले। अब तो स्टेज पे बस रूए गजल आते हैं। शेर मतला हाजिर कर रहा हूँ, एक और सुनिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थोड़ा सा और जुड़ जाइए, थोड़ा माहौल बना दीजिए, अभी बहुत सारे लोगों को सुनना है आपने। एक मतला यूं अर्ज किया है, तो जाके कह दो उसे उसकी बेरुखी से नहीं, तो जाके कह दो उसे उसकी बेरुखी से नहीं, हम अपने रब से ही डरते हैं और किसी से नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत। तो जाके कह दो उसे उसकी बेरुखी से नहीं, हम अपने रब से ही डरते हैं और किसी से नहीं। हमारे मुल्क में अंधों का एक कबीला है। क्या अच्छा। हमारे मुल्क में अंधों का एक कबीला है, जिन्हें चराग से मतलब है, रोशनी से नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। अरे भाई, इतनी तालियां कमजोर हैं इस शेर के लिए, एक बार पुरजोर तालियां बजाएं। क्या अच्छे शेर पढ़ रहे हैं भाई, वाह 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 वाह। फिर पढ़िए। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा शेर है। तो जाके कह दो उसे उसकी बेरुखी से नहीं, हम अपने रब से ही डरते हैं और किसी से नहीं। हमारे मुल्क में अंधों का एक कबीला है। अच्छा है। हमारे मुल्क में अंधों का एक कबीला है, जिन्हें चराग से मतलब है, रोशनी से नहीं। अच्छा, जिन्हें चराग से मतलब है, रोशनी से नहीं। भाई क्या अच्छे शेर पढ़ रहे हो अर्श भाई, वाह 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 वाह। लोगों का मैं बड़ी वाह 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 वाह। हाँ, बहुत जरूरी है इतना मगर जरूरी नहीं। मतलब देखिएगा कि बहुत जरूरी है इतना मगर जरूरी नहीं, चराग जलता रहे रात भर जरूरी नहीं। आहा, अच्छा। बहुत जरूरी है इतना मगर जरूरी नहीं, चराग जलता रहे रात भर जरूरी नहीं। कई सफर है जहां हम अकेले होते हैं, कई सफर है जहां हम अकेले होते हैं, हर एक राह पे हो हम सफर जरूरी नहीं। कई सफर है जहां हम अकेले होते हैं, कई सफर है जहां हम अकेले होते हैं, हर एक राह पे हो हम सफर जरूरी नहीं। और ये एक मतला और दो शेर और अर्ज किए हैं। दिखाने प्यार का एक रंग आ गया हूं मैं, दिखाने प्यार का एक रंग आ गया हूं मैं, दिखाने प्यार का एक रंग आ गया हूं मैं, दिखाने प्यार का एक रंग आ गया हूं मैं, अभी शुरू भी नहीं जंग आ गया हूं मैं। वाह वाह वाह। भी नहीं जंग आ गया हूं मैं,
दिखाने प्यार का एक रंग आ गया हूँ मैं। एक शेर था जिसके लिए मैंने मतलब पढ़ा था, और अगर इस शेर को सुनकर के आप सब साथ देंगे, आप सबकी ताईद मिली, तो मैं समझूंगा कि शेर हो गया है। अभी शुरू भी नहीं जंग आ गया हूँ मैं, खुदा के वास्ते साहब जबान बंद रखिए, खुदा के वास्ते साहब जबान बंद रखिए, खुदा के वास्ते साहब जबान बंद रखिए, तुम्हारे झूठ से अब तंग आ गया। अरे भाई अर्श क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, अगर आप वाकई क्या कहने, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि वाह, ये बताने की जरूरत नहीं कि सुल्तानपुर है। अरे यकीनन यकीनन यकीनन, 4 साल का बच्चा अगर कोई कंचा भी खेल रहा होता है, आप उसके बाजू से शेर पढ़ के गुजर जाइए तो वो बता देता है कि वाकई शेर था या नहीं था। इस जमीन पे खड़ा होकर के मैं शेर पढ़ रहा हूँ, अगर आप सबकी दुआएं लेके जाऊंगा तो मैं इंशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दिखाने प्यार का एक रंग आ गया हूँ मैं, अभी शुरू भी नहीं जंग आ गया हूँ मैं, खुदा के वास्ते साहब जबान बंद रखिए, तुम्हारे झूठ से अब तंग आ गया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है यार, तुम्हारे झूठ से अब तंग आ गया हूँ मैं। और ये शेर खास तौर से मैं अर्जु आपकी नजर कर रहा हूँ, सुनिएगा। तुम्हारे झूठ से अब तंग आ गया हूँ मैं, न जाने कितने मेरी दुश्मनी पे उतरेंगे, न जाने कितने मेरी न जाने कितने मेरी दुश्मनी पे उतरेंगे, न जाने कितने मेरी दुश्मनी पे उतरेंगे, कि सबसे कट के तेरे संग आ गया। अच्छा काफिया लाए, वाह 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 वाह, के सबसे कट के तेरे संग आ गया हूं, संग आ गया हूं मैं। और ये शेर एक मतला और एक दो शेर और आपकी नजर कर रहा हूं के मैं चाहूंगा कि एक बार आप सब लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए ताकि मुझे लगे कि आप सब बेदार हैं। क्या कहने जी अर्श भाई। अर्ज किया है कि तू जिंदगी से मेरी इस कदर लगी हुई है, तू जिंदगी से मेरी इस कदर लगी हुई है, जैसे मंजिल से कोई रह गुजर लगी हुई है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तू जिंदगी से मेरी इस कदर लगी हुई है, जैसे मंजिल से कोई रह गुजर लगी हुई है, जो आजकल मेरे चेहरे पे अब नहीं रुकती, जो आजकल मेरे चेहरे पे अब, जो आजकल मेरे चेहरे पे अब नहीं रुकती, तेरी नजर को किसी की नजर लगी हुई है। मेरे चेहरे पे अब नहीं रुकती, बड़े तेरी नजर को किसी की, बड़े दुखे दिल से कहा गया शेर मालूम होता है, क्या कहने, वाह वाह, तेरी नजर को किसी की नजर लगी हुई है, वाह। और एक मतला और एक शेर पढ़ के अपनी जगह लेना चाहूंगा। बहुत अच्छी शायरी पढ़ी, वाह वाह। अर्थ किया है कि वो गिनते रहते हैं किसके आमाल कहां कितने कम ज्यादा हैं, किसके आमाल कहां कितने कम ज्यादा हैं, वो गिनते रहते हैं जो मोहतरम ज्यादा है। वाह अच्छा है भाई, वाह। किसके आमाल कहां कितने कम ज्यादा हैं, वो गिनते रहते हैं जो मोहतरम ज्यादा हैं, हर एक गुनाह पे नादिम भी हूं, हर एक गुनाह पे नादिम भी
मुतमइन भी हूँ, हर गुनाह पे नादिम भी मुतमइन भी हूँ, मेरे गुनाह से ज्यादा मेरे गुनाह से उसके करम ज्यादा। हर गुनाह पे नादिम भी मुतमइन भी हूँ, मेरे गुनाह से उसके करम ज्यादा हैं। किसके अमाल कहाँ कितने कम ज्यादा हैं, वो गिनते रहते हैं जो मोहतरम ज्यादा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।